नमस्कार दोस्तों, निशा कंप्यूटर क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 20 मई 2024 से ADCA का। इसके अलावा अगर आप अलग अलग कोर्स करना चाहते हैं DCA DFA टैली का, उसका भी 20 तारीख से। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोगन ब्रश टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये करता क्या है। तो चलते हैं रोगन ब्रश टूल, जो कहाँ होता है, इस जगह होता है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो ये अभी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इस देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है और स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ डिजाइनदार बनाना चाहें, डिजाइनदार कैसा, वो जिगजैग पाथ की तरह, तब हम यूज करते हैं रोगन ब्रश टूल, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक करना होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करके ये फिर आएगा, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आइए, आपका सेंटर पॉइंट ये है। अब यहाँ से धीरे धीरे आप मूव कीजिएगा। अब देखिए जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ये डिजाइन बना रहा है लाइन का, है ना। अगर तेजी से मूव कीजिएगा तो डिजाइन नहीं बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन खींचता फांसता लेके चल जाएगा, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, ये देखिए डिजाइन आपका रेडी हो गया। तो इसी टाइप का अगर डिजाइन बनाना है तब आप यूज करते हैं रोगन ब्रश टूल का, ठीक है। तो अब देखिए कि आप बाकी बचा हुआ भी हम डिजाइन बना देते हैं। यहाँ भी बचा हुआ है, इसको भी हम डिजाइन बना देते हैं। इसको भी ये देखिए, अब जो रेक्टेंगल स्ट्रेट लाइन में बना हुआ था वो इस प्रकार से जिगजैग डिजाइन में तैयार हो गया। किसके थ्रू, रोगन ब्रश टूल के।